श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है राजकुमार चाहर का। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, राजकुमार चाहर ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा का नेता नहीं है श्रीकांत त्यागी, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। अब ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस एंगल से जांच पड़ताल होगी, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि भाजपा की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी रुख सामने नहीं आया है। देखिए गुंजन, बता दे श्रीकांत त्यागी के मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी इसे लेकर उसी वीडियो को ट्वीट किया गया है और सवाल खड़े किए गए हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष ऐसे मौके कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। श्रीकांत त्यागी की वजह से काफी किरकिरी भी हो रही है इस समय अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पार्टी की, और तमाम ऐसे फोटो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो या अन्य नेताओं के साथ। लेकिन देखिए, फोटो होना जो होता है उसको अगर लेकर देखें तो जो जनप्रतिनिधि है तो वो तमाम लोगों से मिलते हैं, इससे ये स्थापित नहीं होता है कि वो पार्टी के है नहीं, लेकिन वो अपने आप को एक भाजपा नेता के रूप में उसने स्थापित किया हुआ था, बताता था सबको, और उसी का शायद ये खंडन करना जरूरत पड़ी है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, वो सांसद भी हैं राजकुमार चहर, और उन्होंने साफ कर दिया है कि ना तो किसान मोर्चा की कोई ऐसी युवा इकाई है और ना ही उसकी कार्यकारिणी में या किसान मोर्चा में कहीं से श्रीकांत त्यागी जुड़ा हुआ। ऐसे में उन्होंने खुद अपील की है कि सरकार इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जहां तक बात करें देखिए सरकार के रुख की, तो लगातार जिस ये जो वीडियो सामने आया उसके बाद से वैसे भी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त है इस पूरे मामले में। और श्रीकांत त्यागी की अगर बात करें तो उसको हिरासत में लेने की कोशिशें चल रही हैं, टीमें बनाई गई हैं, और निश्चित रूप से ये बताया जा रहा है जो पार्टी के लोग हैं, देखिए तमाम ऐसे भी पार्टी के नेता हैं जो फिलहाल माइक पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल माइक पर बोलने से तमाम नेता हैं जिनसे हमने कोशिश की, लेकिन वो अभी बच रहे हैं। लेकिन इतना साफ कर दिया राजकुमार चहर ने कि श्रीकांत त्यागी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे की जो कार्रवाई हो किस तरह से चलती है, क्योंकि जिस तरह की दबंगई का वीडियो, जिस तरह से एक महिला से अभद्रता का वीडियो सामने आया है, निश्चित रूप से वो काफ़ी शर्मनाक भी है। और जिस तरह से पार्टी का नाम लिया जा रहा है वो भी बताने के लिए काफ़ी है कि किरकिरी हो रही है पार्टी की, विपक्षियों को एक मौका मिल रहा है। तो ये पुलिस की भी कोशिश है कि कितनी जल्द अब उसको गिरफ्तार किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके श्रीकांत त्यागी को। और सोर्सेज की माने तो आला अधिकारियों की तरफ से भी ये साफ निर्देश है पुलिस को कि इस मामले में कोई कोताही ना हो और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।